हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट हो चुके हैं। 16 से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, अब आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा एंड कैसे एचटेट की तैयारी आप करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, एचटेट की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे नए चैनल पे द टेट्स प्रिपरेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप किसी भी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एचटेट हो, सीटेट हो या और कोई टेट हो, तो उसकी तैयारी बिल्कुल उस चैनल पे कराई जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं एचटेट के एग्जाम की। तो देखिए, एचटेट का एग्जाम नेक्स्ट मंथ आपका है, 2nd और 3rd ऑफ जनवरी को, एंड 16 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, एंड 4th दिसंबर जिसकी आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे आप प्रेस रिलीज नोट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। तो ये प्रेस नोट आप देख सकते हैं, 16 तारीख से आपके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, एंड इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करना है अप्लाई, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एचटेट पे आपको जाना है, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉग इन करें, एंड देन आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। अब सवाल क्या आते हैं, आखिरी डेट कब तक है, फीस कितनी है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक्स ले, कहाँ से क्या पढ़े, ये सारे सवाल बिल्कुल उठते हैं। तो देखिए, इसका भी ये एक पीडीएफ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके सभी सवालों के जवाब इस पीडीएफ में है, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। देखिए, यहाँ पे पहले बात करेंगे फीस की। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में कोई आवेदन नहीं लिया जाता है। अगर आपको कोई बोलता है मैं आपका एचटेट का फॉर्म फिल करा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म है, आप खुद से भी भर सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी तरह। तो देखिए, यहाँ पे एससी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, तो उनके लिए ₹500 फीस है। अगर आप लेवल वन का एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, 1 और 2 का, तो 900 है, और तीनों लेवल का देना चाहते हैं तो 1200 है। अब फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, अब जिनका नहीं है उनके लिए, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट सभी के लिए है, ₹1000 एक फी, एक पेपर की फीस, पेपर 1 लेवल 1, देन दोनों लेवल के लिए 1800 की, देन तीनों लेवल के लिए 2400 की। अब देखिए, यहाँ पे तीन लेवल क्या है, तो देखिए पहला लेवल होता है यदि आप 1st to 5th तक के, मतलब प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। अब आप एलिमेंट्री टीचर बनना चाहते हैं तो आप फॉर दी 2 लेवल्स करेंगे। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्राइमरी के लिए भी और साथ में एलिमेंट्री के लिए भी। तो लेवल 1 लेवल 2 के लिए दोनों के लिए अप्लाई करें। अब लेवल 3 उनके लिए है जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की है जिसमें वो एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे लेवल्स लाइक, अगर आप कंप्यूटर की पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो लेवल 3 का भी एग्जाम दे, 1 2 भी दे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सो मेक श्योर आपके पास उसकी मास्टर्स हो। आगे और डिस्कस करेंगे, चीजें और क्लियर होंगी आपको सब्जेक्ट वाइज। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पीआरटी टीचर के लिए लेवल 1, प्राइमरी टीचर के लिए, देन टीजीटी के लिए ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए लेवल 2, देन पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लेवल 3 यहाँ पे रहेगा। अब इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, देखिए 16 से आपके शुरू हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आज ही बिना किसी देरी के भर दे। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि ऑनलाइन ग्लिचेस हमेशा आ जाते हैं। ऑनलाइन में देखिए कहाँ क्या टेक्निकल इशू आ जाए, ट्रैफिक हो जाए ज्यादा आपकी वेबसाइट पे, तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप पहले आवेदन कर दें। लास्ट डेट रहेगी 4th दिसंबर 2020, एंड देखिए उसके बाद अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो करेक्शन का भी मौका आपको मिलेगा। तो 5 तारीख से लेकर 8 तारीख, मतलब 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक के बीच करेक्शन भी आपको उसका भी मौका मिलेगा। तो गाइडलाइंस वगैरह अच्छे से पढ़ ले। एडमिट कार्ड जो होगा वो पोस्ट के द्वारा नहीं आएगा,
तो ये भी बहुत बार एक मिथ हो जाता है कि पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, तो किसी पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देखिए, बाकी आप पीडीएफ बहुत बड़ा है, सारे इंस्ट्रक्शंस है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है आपको एलिजिबिलिटी की बात। तो देखिए, पीआरटी के लिए जो प्राइमरी टीचर का है आपका, उसके लिए बीएड आपके पास हो, और 6 to 8 के लिए अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड हो। जिन्होंने जेबीटी की हुई है वो केवल 1st to 5th तक का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल वाला। टीजीटी लेवल वाला वो तब दे सकते हैं तब साथ में उनकी ग्रेजुएशन हो जाए। पीजीटी वाला दे सकते हैं जिन्हें की पोस्ट ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो। अब यहाँ पे तीनों लेवल्स आपको समझ आ गए हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मेंशन है प्राइमरी टीचर के लिए, तो यहाँ पे आप एक बार रीड कर ले। एंड लेवल 2 के लिए भी गिवन है, लेवल 3 के लिए भी, सबके लिए गिवन है, आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगी। ऑल्दो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि है क्या। तो देखिए, अब चैनल पे तैयारी शुरू हो गई, तो डेली 1 क्लास आपको देखने को मिलेगी। एंड धीरे धीरे कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास हम एक दिन में करें, एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइव सेशंस रखें, सो दैट आप सबकी तैयारी अच्छे से हो पाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एचटेट, एंड साथ में सीटेट की भी तैयारी बहुत जल्द शुरू करेंगे। एंड मेक श्योर आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंड बीएड के बाद देखिए, टीचर बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, और गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिकली लेनी है, तो इन एग्जाम्स को करना है बहुत जरूरी। सो इसी के साथ अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, जो हमारी ईमेल आईडी है ऑफिशियल वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप कमेंट भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।